नमस्कार, लाइफ टाइम सीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो इस वक्त ऊना जिला मुख्यालय के बचत भवन से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां बिल्कुल डीसी कार्यालय के बाहर ये दुकानें और पहली ही बारिश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का हाल यहाँ पर यह है कि दुकानें पूरी तरह से पानी से लबालब, और ये देखिए पानी के साथ मिट्टी और गाद सारी चीजें इस वक्त दुकानों के अंदर। दुकानदारों को बारिश का पानी रोकने के लिए जिस तरह से जद्दोजहद यहां पर करनी पड़ रही है, हालांकि ये पहली ही बारिश है। आज ऊना शहर की अगर बात करें तो इस सीजन की ये पहली ही बारिश, और ये देखिए आप और ये देखिए पानी अंदर तक मार कर रहा है। ये वो एरिया है ऊना का जहां पर बारिश का पानी लगातार हर साल कहर मचाता है। हालांकि पानी की ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए भी यहां पर नालों का निर्माण किया था, लेकिन न इस वक्त ये ड्रेनेज भी पानी उगल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको पानी बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये पानी नालों से बाहर आ रहा है क्योंकि नाले पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। और जिन दुकानों के आगे हल्की सी ये देखिए मेड़ बनाई गई है, वहाँ पर भी अब पानी का अंदर जाने का खतरा पूरा बढ़ते जा रहा है। ऊना शहर से ये लाइव तस्वीरें बिल्कुल डीसी कार्यालय के बाहर से आपके साथ साझा कर रहे हैं, और हालात देखिए इस वक्त पूरी तरह से लबालब पानी भरते हुए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे, और बिल्कुल इसके साथ ये दुकानें, और देखिए ये तो स्टेशनरी की दुकान है, और इसे बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं ये लोग। और कहाँ तक था जी? जहाँ तक चला गया पानी। और ये बिल्कुल टॉप, जहाँ पर इसका टॉप है वहाँ तक पानी ऊपर जा पहुँचा था। तो ये देखिए सामने दुकान, वहाँ पर भी पानी अंदर जा पहुँचा। ये है जिला का मिनी सचिवालय भवन, डीसी कार्यालय परिसर, और ये इस भवन का मुख्य रास्ता। और ये कुछ हालात, ये कुछ तस्वीरें इस वक्त ऊना शहर में। आपको बता दें कि बारिश के लिए लंबा इंतजार ऊना के लोगों को करना पड़ा, लेकिन जब बारिश आई तो अपने पूरे शबाब पर आई, और हालात अभी आपके सामने हैं। और सड़क के दूसरी तरफ जो दुकानें हैं वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। ऊना शहर के बिल्कुल डीसी कार्यालय परिसर के बाहर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, और पूरी तरह से पानी। और हालत यहाँ पर ये है कि और सड़क के उस पार क्या नज़ारा है वो भी आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। ये देखिए आप, सड़कों पर खड़े दो पहिया वाहन जो हैं वो आधे से ज़्यादा पानी में इस वक्त। और कई दुकानदार इस वक्त प्रभावित हैं इस बारिश के पानी से, हालात आप देख सकते हैं। और ये अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये निश्चित रूप से महिला दुकानदार अपनी दुकान में खड़े हैं, और
पानी कहाँ तक है ये आप खुद देख लीजिए। ये ऊना शहर की सबसे पुरानी और फेमस मूंगफली की भट्टी है और ये पूरे का पूरा पानी भट का। मैम थोड़ा सा आगे आएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये हालात हैं इस वक्त। तो नुकसान निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ दुकानदारों को हुआ है जहाँ पर जल भराव की समस्या। और ये गली देख सकते हैं आप, गली के अंदर बच्चे ज़रूर यहाँ पर अटकेलियाँ कर रहे हैं बारिश के पानी में, लेकिन पूरी तरह से गली पानी से लबालब इस वक्त। और ऐसी ही और भी गलियां हैं इसी पूरे क्षेत्र में जो पूरी तरह से पानी से भर चुकी हैं और बारिश का ये पानी निश्चित रूप से कई चेहरों के लिए उदासी का कारण भी आज बना। गर्मी से ज़रूर राहत मिलेगी कुछ लोगों को, लेकिन ये वो दुकान जो आधी से ज़्यादा इस वक्त पानी में है। थोड़ा सा दबाव ज़रूर कम हुआ है बारिश का, थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर कम हुई है बारिश की, लेकिन ये शहर की पूरी डाउनस्ट्रीम है और पूरे शहर का पानी इसी क्षेत्र में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हालात यहाँ पर हैं। जसन मार्केट के पास जी मुनीश शर्मा जी, वहीं उसके आसपास ही हैं हम। और फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ हालात, ये DC कार्यालय परिसर और उसके बिल्कुल बाहर कुछ ये नज़ारा बारिश के कारण। हल्का सा दबाव कम हुआ पानी बारिश का, तो हल्का सा जल स्तर भी कम हुआ है और शुरू कर दिया है दुकानदारों ने सफाई का काम। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि अकेला पानी नहीं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी भी दुकानों के भीतर यहाँ पर जरूर घुस चुकी है। ऊना का ये DC कार्यालय परिसर का है, सोलन नहीं, ऊना का DC कार्यालय परिसर, ऊना शहर टाइटल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है जी। बैंक भी है, क्या कुछ हालात वहाँ पर हैं वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और लीजिए बैंक में पानी देखिए किस तरह से भरा है, और ये बचत भवन का ये नज़ारा देखिए, और डाकखाना माफ कीजिएगा, और ये देखिए बचत भवन का ये नज़ारा, और ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस। और पानी में बैठकर काम करते हुए डाक विभाग के ये कर्मचारी, निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं। ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस है जी, ऊना के DC कार्यालय परिसर के साथ बिल्कुल ब्रांच है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं डाकघर। और डाकघर में मौजूद ये कर्मचारी, और निश्चित रूप से चुनौतियां कम नहीं हैं इस माहौल में काम करना, लेकिन इसके बावजूद काम बदस्तूर यहां पर जारी है। ये कहां से आया सर पानी? मैम ये गेट से आया, दरवाजे से? तो ये देख सकते हैं आप,
तो फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाक विभाग का कार्यालय, जो डाक घर है, यहाँ से पानी ऐसे नहीं निकल पाएगा। स्ट्रीम को सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ये ऊना की लाइव तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं इस वक्त, ऊना शहर के डाक घर का ये हालात। डीसी कार्यालय परिसर के बिल्कुल साथ ये डाक कार्यालय है और पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुका है। तो हर जगह लाइव टाइम्स टीवी आप देख पा रहे हैं ऊना से, ये डाकघर के बाहर का ये हालात। पहली ही बारिश है और पहली ही बारिश ने जिस तरह से ये हाथ दिखाए हैं वो निश्चित रूप से हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सिंह।